नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैंटेसी क्रिकेट टीम के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैच खेला जाने वाला पाकिस्तान सुपर लीग में, उसकी पॉसिबल प्लेइंग 11 और एक टीम डिस्कस करेंगे। तो मुल्तान सुल्तान की टीम बहुत दिनों से हार रही है, 3 मैचेस कंटिन्यूस हार गई है। उनके जो लॉस के उनके बैट्समैन के हुए थे दोस्तों, क्योंकि उनके बैट्समैन कुछ आज तक कर नहीं पा रहे। उनके बॉलर ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन बैट्समैन कुछ रन बना नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से मुल्तान सुल्तान की मैच तीनों हार गई है। तो अभी उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है। लास्ट मैच में हार्डस विलियन को लाया गया था एक बैट्समैन के एक्सपेंस, जो थे रॉस वेटली के बाहर निकलकर हार्डस विलियन को इन कर लिया गया था। लेकिन इस मैच में कुछ अलग हो सकता है। निकोलस ब्रून, जिनको अभी तक एक भी मौका नहीं दिया गया है, उनकी वापसी हो सकती है, डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आ सकते हैं, क्योंकि ये मैच मुल्तान को जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर उनको प्लेऑफ्स में जाना है। तो कुमार संगकारा, अहमद सजाज ओपनिंग कर सकते हैं, फिर शोएब मकसूद, शोएब मलिक, कैरम पोलार्ड, रॉस वेटली है, तो निकोलस पुरन, ये दोनों में से को एक ज़्यादा चांस है कि निकोलस पुरन को दिया जा सकता है मौका अगर, लेकिन टीम रॉस वेटली के साथ ही जाना चाहेगी तो वेटली को ही मौका दिया जाएगा। फिर सोहेल तनवीर, सेव बादर या तो उमर सिद्दीकी, ये दोनों में से कोई एक खेलेगा दोस्तों, क्योंकि इस बादर का इतना कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है, बॉलिंग और बैटिंग में इतने इफेक्टिव रहे नहीं है। तो मुझे लगता है कि उमर सिद्दीकी को टीम मौका दे सकती है, या तो अहमद सजाद की जगह पर उमर सिद्दीकी को खिलवाया जा सकता है, क्योंकि अहमद सजाद बहुत ही टाइम लेते हैं सेट होने के लिए और बहुत बॉल जाते हैं पावर प्ले में। तो मुझे लगता है कि उमर सिद्दीकी, अहमद सजाद या तो सेफ बादर, ये दोनों की जगह पर आ सकते हैं। फिर उमर गुल जो इंजर्ड थे लेकिन अभी फिट हो गए, और उनकी जगह पर जुनेद खान को खिलवाया गया था लास्ट के 2 मैचेस, लेकिन कुछ इतने इफेक्टिव नहीं रहे, तो मुझे लगता है उमर गुल फिर से आ सकते हैं टीम में। फिर इमरान ताहिर और मोहम्मद इरफान, तो ये हो सकती है मुल्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो इसमें बैटिंग ऑर्डर चेंजेस हो सकते हैं अगर विकेट नहीं गिरे तो। कैरम पोलार्ड को वन डाउन भेजा जा सकता है हार्ड हिटिंग करने के लिए। फिर इस्लामाबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो उसमें जो बड़े प्लेयर्स थे एलेक्स हेल्स, सैम बिलिंग्स, इन्होंने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है, दुबई में आ चुके हैं ये दोनों ही। तो इनकी इन दोनों में से कोई एक के डायरेक्ट प्लेइंग 11 में एंट्री हो सकती है। ल्यूक रोंचियर, एलेक्स हेल्स ओपनिंग कर सकते, ज़्यादा चांस है कि एलेक्स हेल्स ही खेलेंगे, लेकिन अगर टीम कुछ और स्ट्रेटेजी के साथ जाती है, क्योंकि जेपी डुमिन ओपनिंग अच्छे फॉर्म में कर रहे हैं, तो सैम बिलिंग्स को एक एज ए मिडल ऑर्डर बैट्समैन टीम ला सकती है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि एलेक्स हेल्स ही कंटिन्यू करेंगे। फिर जेपी डुमिन वन डाउन आएंगे, आसिफ अली, समित पटेल, मिसबा उल हक, हुसैन तलात, फहीम अशरफ, सदाब खान, गोहर और मोहम्मद शमी। गोहर एक स्पिनर है दोस्तों, लास्ट मैच उनका खिलवाया गया था और 3 विकेट्स भी लिए थे, तो वो शारजा के पीछे स्पिनर को सपोर्ट करती है। यहाँ के मैच शारजा में खेला जाने वाला दोस्तों, दुबई का जो राउंड था वो खत्म हो गया, अभी ये जो मैच खेला जाएगा वो शारजा में खेला जाने वाला है। तो शारजा में स्पिन थोड़ी अच्छी इफेक्टिव रहती है बॉलर्स के लिए, तो मुझे लगता है कि गोहर आज फिर से कुछ अच्छे विकेट्स ले सकते हो। तो अभी हम टीम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक माइटी मिलियन ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, साथ में रेफर कोड भी दिया हुआ है। अगर आपके पास अपने दोस्त का रेफर कोड है तो आप उसे भी डाल सकते हो, या तो आप मेरा डाल सकते हो, तो उससे आपको 100 रुपीज़ कैश बोनस मिलेगा और मुझे 50 रुपीज़ मिलेगा। तो अभी हम टीम डिस्कस कर लेते हैं। विकेट कीपर हमारे पास 2 ऑप्शन है, कुमार संगकारा और ल्यूक रोंची, दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन है दोस्तों, दोनों ही फॉर्म में भी है। ल्यूक रोंची में ज़्यादा प्रेफर करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये हार्ड हिटर है और हर बॉल मारने को जाते हैं। अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो कुमार संगकारा के साथ जा सकते हो, ये दोनों ही खेलेंगे, दोनों ही अच्छे बैट्समैन है, लेकिन मैं क्रेडिट मैनेज करने के लिए ल्यूक रोंची को ले रहा हूँ। फिर बैटिंग में जे पी ड्यूमनी, एलेक्स हेल्स, अहमद सजाद और यहाँ से शोएब मकसूद को रखा है। आप यहाँ से मिसबा उल हक को रख सकते हो, जो कैप्टन है टीम के। रॉस वेटली का चांस है दोस्तों, रॉस वेटली है तो निकोलस पुरन, ये दोनों में से कोई एक खेलेगा। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप निकोलस पुरन को भी ट्राई कर सकते हो। फिर आसिफ अली को आप यहाँ से पिक कर सकते हो। शोएब बादर का कंफर्म नहीं है दोस्तों, खेलेंगे कि नहीं, उनकी जगह पर सिद्दीकी खान खेल सकते हैं। फिर ऑलराउंडर में मैंने शोएब मलिक, समित पटेल और कैरम पोलार्ड को रखा है। एंडरसन नहीं खेलेंगे, तिसारा परेरा नहीं खेलेंगे। यहाँ से आप सिर्फ हुसैन तलात को अपनी टीम में शामिल कर सकते हो, लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं है, ग्रैंड लीग के प्लेयर है। फिर बॉलिंग में मैंने इमरान ताहिर, फहीम अशरफ और यहाँ से मोहम्मद शमी को पिक किया है। स्टीवन फिन नहीं खेलेंगे दोस्तों, उनकी जगह पर एलेक्स हेल्स खेलेंगे। रुमन रईस नहीं खेलेंगे, कन्फर्मेशन आ चुका है, वो घर चले गए ट्रीटमेंट के लिए। उमर गुल खेल सकते हैं, चांसेस दोस्तों 90% है आज उमर गुल का, क्योंकि फिट हो चुके हैं और जुनेद खान को रिप्लेस करेंगे। फिर सोहेल तनवीर को आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो, इरफान एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। हार्डस विलियम का चांस कम लग रहा है, इनकी जगह पर रॉस वेटली है तो निकोलस पुरन खेल सकते हैं। जुनेद खान नहीं खेलेंगे अगर उमर गुल खेलते हैं तो। सदाब खान को आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हो।
तो कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो स्मॉल लीग की टीम में जेपी ड्यूमनी एक अच्छे कैप्टन होंगे क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं, शारजा के पिच स्पिनर्स को फेवर करते हैं और जेपी ड्यूमनी एक ऑफ स्पिनर है तो एक अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं कैप्टन के लिए। और वाइस कैप्टन में मलिक को रख रहा हूँ। लास्ट के दो मैच फ्लॉप चल रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये एक कैप्टन है, कैप्टन इनिंग इनको खेलनी होगी और हो सकता है ये बॉलिंग भी करवाए ये वाले मैच में, इसलिए मैंने इन्हें वाइस कैप्टन रखा है। तो आपको एक बार टीम का प्रीव्यू दिखा दूँ। ल्यूक रॉन्ची, अहमद शहजाद, एलेक्स हेल, शोएब मकसूद, जेपी ड्यूमनी, शोएब मलिक, समित पटेल, कारम पोलार्ड, इमरान ताहिर, फहीम अशरफ और मोहम्मद शमी। तो आप अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप निकोलस पुरम को ट्राई कर सकते हो, उन्हें कैप्टन रख सकते हो, एक अच्छे कैप्टनसी के लिए आपके ऑप्शन बन जाएंगे ग्रैंड लीग में। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके गाइस, बाय।